जहां ब्रिटिश राज का झंडा देशी रियासत के झंडे के साथ लहराता था। कई फ्रैक्चर्स हुए। द मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट ट्रेजिक वन वॉज इन 1947। भारत तो था लेकिन उसका टुकड़ा हो गया। और अभी हम लोगों को लगता है कि दुनिया के ज्यादातर देश एक भाषा के साथ हैं। जर्मनी मतलब जर्मन, फ्रांस मतलब फ्रांस, भारत मतलब कश्मीरी भी है, मलयालम भी है। ये झंझट क्या है, क्यों ये है, क्यों नहीं हम लोग एक भाषा के देश हो सकते हैं? तो जरा हिंदी वाले से पूछिए तमिल सीखने में कितना सुख और दुख है, और तमिल वाले से पूछे कि हिंदी सीखने में कितना सुख है दुख है, और जरूरत क्या है। ये तो यूरोप में हुआ ना, एक राष्ट्र एक भाषा। संस्कृतियां तो बहुभाषी रही हैं, चाहे यूरोपीय संस्कृति हो, चाहे चीनी संस्कृति हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो। भारतीय संस्कृति में से संस्कृत हटा दीजिए कितनी गरीबी आ जाएगी, और पाली और प्राकृत हटा दीजिए तो पूरा बुद्ध और महावीर चले जाएंगे, और फारसी हटा दीजिए तो पिछले 500-600 साल का इतिहास खत्म हो जाएगा, और देशी भाषाएं हटा दीजिए तो सारे राष्ट्रीय आंदोलन, सारी राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई हमारी समझ में नहीं आएगी। तो पहला सवाल तो यही है कि भारत का जो भारत की परिभाषा है यूरोप में चली राष्ट्रीयता की परिभाषा से अलग क्यों है, और क्या इसको अलग होना चाहिए या यूरोप जैसा हो जाना चाहिए? दूसरा, यूरोप में ज्यादातर देश एक धर्म वाले थे,